जैक रहते हैं तीन तीन वायर के, एक जैक बड़ा रहेगा, एक जैक छोटा रहेगा, छह वायर का रहेगा पीजी मोटर, और बीएलडीसी में एक ही होता है, ये चीज याद रखना। और कभी कभी क्या करते हैं, रिले उल्टी लग जाती है, जहाँ पर जगह नहीं होती वहाँ पर रिले उल्टी हो जाती है, तीन नंबर से इन हो जाता है, चार नंबर से आउट हो जाता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे भी वही ठीक है। अब न्यू रनिंग स्टार्टिंग जितना मर्जी उधर जोड़ दो, हेलो गाइस, ए टू जेड इंस्टीट्यूट विकास में आपको स्वागत है। आज स्टूडेंट को बता रहे हैं स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर वायरिंग इंडोर से आउटडोर के बारे में, कि इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो पहले बताते हैं कि इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहले तो होती है मेन पीसीबी, मेन पीसीबी में रिले, न्यूट्रल का स्विंग मोटर, स्विंग मोटर और ब्लोवर मोटर, ये दो चीज़ें हैं। स्विंग मोटर विंडो एसी जो पढ़ा रहे थे उसमें स्विंग मोटर चल रहा था 220 वोल्ट एसी से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चल रहा है 12 वोल्ट डीसी से, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसमें जैक होता है, जैक पे 12 वोल्ट डीसी इसकी सप्लाई आती है। अब ये आ गया ब्लोवर, ब्लोवर मोटर इसमें लगती है दो तरीके की, एक लगती है पीजी और एक लगती है बीएलडीसी। अब पीजी और बीएलडीसी को पहचानेंगे कैसे वो बताते हैं। पीजी में दो जैक रहते हैं तीन तीन वायर के, एक जैक बड़ा रहेगा, एक जैक छोटा रहेगा, छः वायर का रहेगा पीजी मोटर, और बीएलडीसी में एक ही जैक रहेगा पाँच वायर का। तो ऐसे पहचानना है कि पीजी में छः वायर हैं, वो भी तीन तीन जैक के दो वायर, जब दो जगह तीन तीन वायर लगे हैं, और बीएलडीसी में पांच वायर एक ही जैक पे होंगे। तो ये हो गया ब्लोवर का, स्विंग मोटर का। रिले, रिले में एल पॉइंट रहता है इन और कंप्रेसर पॉइंट रहता है आउट, ये हमेशा याद रखना, कभी उल्टा नहीं करना, क्योंकि एल से इन होता है और कंप्रेसर से आउट होगा, क्योंकि ये पिन सिंगल लगी रहती है, इस पिन पे और कोई सप्लाई नहीं होती, इस ये पिन सिंगल रहे, अगर यहाँ दे देंगे तो पूरी पीसीबी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सिंगल पिन है यहाँ पे, इसमें आगे कहीं ट्रैक है ही नहीं, तो खाली यहीं तक लाइन आएगी, उसके आगे लाइन कहीं नहीं जाएगी, तो पीसीबी ऑपरेट नहीं करेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना कि एल पॉइंट इन है, कंप्रेसर पॉइंट आउट है। और एक चीज़ में याद रखना, जहाँ इन होगा वो पॉइंट फ्यूज के साथ जुड़ा रहेगा, वो पॉइंट फ्यूज के साथ जुड़ा रहेगा, रिले का जो पॉइंट फ्यूज के साथ जुड़ा है वो इन है। किसी में तीन नंबर से इन होता है, किसी में चार नंबर से, अधिकतर चार नंबर से इन होता है और तीन नंबर से आउट होता है, ये चीज़ याद रखना। और कभी कभी क्या करते हैं, रिले उल्टी लग जाती है, जहाँ पर जगह नहीं होती वहाँ पर रिले उल्टी हो जाती है, तीन नंबर से इन हो जाता है, चार नंबर से आउट हो जाता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ से फ्यूज के साथ जो पॉइंट जुड़ा है रिले का वो इन है और दूसरा पॉइंट आउट है, ठीक है। अब करते हैं इसकी वायरिंग। फेस न्यूट्रल, ये एमसीबी फेस न्यूट्रल आया, फेस जाएगा L1 पे और न्यूट्रल न्यूट्रल पे, ये जंक्शन लगा रहता है जिसपे चार पिन लगी रहती हैं, एक में L1 न्यूट्रल, L2 अर्थ, लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो इसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अब L1 जो आया है, फेस जहाँ से आया है L1 ले जाएंगे L पॉइंट पे, जो रिले का L पॉइंट है वहाँ ले जाएंगे, और न्यूट्रल ले जाएंगे जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे। पीसीबी तक हमारा न्यूट्रल फेस पहुँच गया, पीसीबी ऑपरेट हो गई। अब क्या करना है, अब होगा कंप्रेसर के लिए आउट, जो हमारे आउटडोर के लिए जाएगा। एक तो सेक्शन हो गया ये हमारा इंडोर का, ये सेक्शन हो गया आउटडोर का। तो अब क्या होगा, जो कंप्रेसर से आउट होगा वो जाएगा L2 पे, L2 पे आ गया। अब यहाँ क्या जाना है, यहाँ जाएगा जो न्यूट्रल आ रहा है वो न्यूट्रल पे लग जाएगा, यहीं से जोड़ देंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, न्यूट्रल एक ही है, लेकिन जो कंप्रेसर से आउट हुआ है वो जाएगा L2 पे, L2 पे। और अर्थ, अर्थ जहाँ मर्जी बॉडी में लोहे की जहाँ आपको बॉडी मिले, यहाँ पे लगाने की जगह हो आप वहाँ पे अर्थ को लगा दीजिए, यहाँ पे भी वही, ठीक है। अब न्यू रनिंग स्टार्टिंग जितना मर्जी उधर जोड़ दो कैपेसिटर में, हमेशा याद रखना जो कम वाला कैपेसिटर है, जो 6 MFD 5 MFD 4 MFD का है, वो फैन के लिए और कंप्रेसर पे लगेगा हमेशा, ज़्यादा वाला 50 MFD 55 MFD 45 MFD वो हमेशा कंप्रेसर पे लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, L2 ले जाएंगे कॉमन पे, जो कंप्रेसर से आउट हुआ है वो जाएगा
फैन मोटर के कॉमन पे और कंप्रेसर के कॉमन पे, और न्यूट्रल जो हमारा आया था वो जाएगा रनिंग पे और कंप्रेसर की रनिंग पे, फैन मोटर की रनिंग पे और कंप्रेसर की रनिंग पे। जी सर। तो ये वायरिंग पूरी हो गई। इसमें बस ध्यान रखना है, इसमें जो एल पॉइंट है वो इन है और जो कंप्रेसर पॉइंट है वो आउट है, क्योंकि कंप्रेसर पॉइंट सिंगल रहता है। यहाँ भी देखोगे इसके आगे कंप्रेसर पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं होगी, वहाँ पे ये सिंगल पॉइंट ही लगा होगा खाली रिले का। तो ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे कंप्रेसर का पॉइंट है वहाँ पे इन कराओगे, इन कराओगे तो पीसीबी ऑन नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे कहीं ट्रैक नहीं है उसमें। जो फ्यूज के साथ जुड़ा पॉइंट है रिले का वो इन पॉइंट है, ये बात हमेशा याद रखनी है, लिखा हो या ना लिखा हो। किसी पीसीबी पे नहीं लिखा है तो जो जहाँ पे फ्यूज के साथ जो लाइन जुड़ रही है उस पर इन करा दो, उस पर इन कराओगे और न्यूट्रल लगाओगे, पीसीबी अपने वर्क करेगी। और मोटर, स्विंग मोटर हमेशा याद रखना कि 12 वोल्ट डीसी चलती है, विंडो एसी की तरह नहीं कि 220 वोल्ट एसी चलेगी, ये हमेशा 12 वोल्ट डीसी से ही चलेगी क्योंकि ये डीसी मोटर है। आया समझ में? आप सीखना चाहते हैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन आरओ की जगह मैकेनिकल काम, तो आ सकते हैं ए टू जेड इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ में। और हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।